60 किलोमीटर कितना देर में कवर करती है? आज रूट फाइनली दीघा ब्रिज क्रॉस कर चुका हूँ। जो टाइम लगता है आपको उधर ही लगता है, पटना टू हाजीपुर। तो गाइस अभी फाइनली सराय पहुंच चुके हैं। ग्लव्स यहाँ ही गिर गया मेरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारी राइड होने वाली है पटना टू मुजफ्फरपुर, और आज है छठ पूजा का नहाय खाय। तो हम अभी निकल रहे हैं मुजफ्फरपुर के लिए, छठ पूजा वहीं सेलिब्रेट किया जाएगा। तो चलिए आज पूरा इंजॉय करते हैं। तो हमारा राइड रहेगा आज पटना से मुजफ्फरपुर, तो इंजॉय लेते रहिए, ब्लॉग में बने रहिए। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:48, तो अभी निकलते हैं सुबह सुबह, और ठंड भी है थोड़ा हो गया है। तो चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो अभी हम निकल रहे हैं मुजफ्फरपुर के लिए, और आज राइड में काफी मजा आने वाला है। 60 किलोमीटर मुजफ्फरपुर दिखा रहा है। गाइस कैसे हो आप लोग? तो आज छठ का नहाय खाय है और काफी अच्छा लग रहा है। सुबह बहुत ही शुभ दिन है आज, और आज हमारी राइड होने वाली है पटना से मुजफ्फरपुर के लिए। और हंटर 350 को देखते हैं कि 60 किलोमीटर कितने देर में कवर करती है। आज रूट तो आज अच्छा है, तो जल्दी कवर कर लेना चाहिए। और आप लोग तो छठ में घर गए ही होंगे, और मुजफ्फरपुर वालों जितने भी देख रहे हैं, आपको तो सब्सक्राइब करना बनता है, आपके शहर आ रहे हैं। हंटर 350 अभी 110 जा चुकी है, 110। ओहो, 120 जा रही है। रोड खाली है गाइस, तो इसमें चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो भी 350 सीसी में, तो नॉर्मल सा बात है। ब्रेक ब्रेक लग जाता है, उतना घबराने की बात नहीं। हम अभी पहुंचने वाले हैं आपका सबसे दिल में जो पसंदीदा जगह है, आप सबके दिल में एक जगह है, वो है मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव पे भी काफी बढ़िया से प्रिपरेशन हो चुका है, और बहुत दिन बाद भी आ रहे हैं इधर। तो यहाँ से हम लोग दीघा पुल लेंगे ऊपर। जो भी बाइक राइड करते हैं वो देख लीजिए कैसे जाना आपको मुजफ्फरपुर। कहीं से भी आ रहे हैं दीघा पुल या तो गांधी सेतु पुल पकड़िए, मैं तो दीघा से जा रहा है, शॉर्ट पड़ेगा इस वजह से। आप अगर आपको उधर से पास पड़ता है गांधी सेतु, तो आप उधर से भी जा सकते हैं। तो अभी दीघा ब्रिज पे चढ़ने वाले हैं, और यहाँ से जो व्यू मिलेगा गाइस, वो तो अनएक्सपेक्टेड। ये ब्रिज का रोड थोड़ा खराब हो गया है, इस पे ध्यान देना चाहिए, बाइक बहुत बबलिंग कर रहा है। पटना वालों का पसंदीदा ब्रिज, बिहार में आए इस ब्रिज पे क्रॉस नहीं किए तो क्या किया आप? इस पे गाड़ी चलाने का कुछ और ही मजा है। फाइनली दीघा ब्रिज क्रॉस कर चुका हूँ। ये देखिए जलालपुर फन, दीघा के जैसे ही क्रॉस करोगे आप ब्रिज से नीचे, तो आपको दिखेगा इधर का अमरुद मिलता है सुबह सुबह, या मतलब हमेशा, आज मिलता है कि नहीं देखता हूँ, बट जो बड़ा बड़ा अमरुद आता है ना, इधर ही मिलता है काफी। यहाँ पे आप आओगे कभी भी तो बहुत अमरुद मिलेंगे सुबह सुबह, बहुत ज्यादा है। मैप ऑन कर लेते हैं गाइस, फिर रास्ता पता चलेगा नहीं। तो गाइस अभी फाइनली हाईवे पकड़ चुका हूँ, और अभी यहाँ से चलते हैं। यहाँ से तो मुझे 1 घंटा 12 मिनट दिखा रहा है, मे भी 8 बजे तक पहुँच जाएंगे, 9 बजे तक। मैप में टर्निंग बताया नहीं, डायरेक्ट बोल रहा है मुड़ने के लिए, अजीब हो। तो अभी यहाँ से शायद सोनपुर ले जाएगा मुझे,
बैक मुझे उल्टा तो नहीं ले जा रहा है ना? नहीं, उल्टा नहीं ले जाएगा। तो देखिए छठ पूजा का खरीदारी हो रहा है, काफी भीड़ लगा हुआ है और अच्छा भी लग रहा है। सुबह सुबह मार्केट हो रहा है, मुझे भी जाना है तो जल्दी पहुंचना होगा। गाइस रोड तो बढ़िया मिल रहा है, बढ़िया है, बट तो हाईवे मिल जाता आगे कहां से मिलेगा। जल्दी में पहुंचना है, लेट हो रहा है। किसी से पूछना होगा पेट्रोल पंप कितना किलोमीटर आगे है। इधर आगे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप आगे है ना। तो फाइनली आगे पेट्रोल पंप तो बताया है, देखते हैं आगे पेट्रोल पंप है या नहीं है। चल गया, अब टर्निंग कहाँ से ले, वहां से पेट्रोल पंप ले दो। भैया जी की गाड़ी में रखा हुआ है रसगुल्ला 390। तो फाइनली निकलते हैं गाइस अभी, इधर तो जगह ही नहीं पता यार, क्या बोलूं, कहीं नाम दिखेगा तो बताऊंगा कहाँ पहुंचा हूँ। और गाइस ये हमारी छोटी छोटी राइड इसलिए हो रही है, फ्यूचर में हम लद्दाख ट्रिप करने वाले हैं, बट अभी टाइम है, लद्दाख जाऊंगा और बाइक से ही जाऊंगा, पटना से ही, पटना टू लद्दाख। तो उसके लिए छोटी छोटी राइड कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम आता है, क्या प्रॉब्लम फेस करना है, सारा चीज। एंड फर्स्ट मैं कवर करने वाला हूँ वेस्ट बंगाल। तो पहले निकला जाएगा दार्जिलिंग, गैंगटॉक वगैरह सारे जगह। चलो फाइनली हाईवे मिल गया। देखिए लोग छठ पूजा में जा रहे हैं, सारे फैमिली लोग। आई थिंक हाजीपुर पहुंचने वाले हैं, तो फाइनली हाजीपुर पहुंच चुके हैं गाइस। तो अभी यहाँ से हाईवे पकड़ेंगे, यहाँ से रोड अच्छा मिल जाता है हाजीपुर के बाद से। जो टाइम लगता है आपको उधर ही लगता है, पटना टू हाजीपुर। तो गाइस अभी फाइनली सराय पहुंच चुके हैं और यहाँ से अभी 33 किलोमीटर है, तो मैं भी हाफ आवर नहीं 20 मिनट्स में कवर कर लूंगा। रोड तो इधर अच्छा ही है, कहीं स्टॉपेज है नहीं, तो यहाँ से फाइनली ओनली 20 मिनट्स लगेंगे, अप्रोक्स 1 hour 10 या 15 मिनट लगते हैं, जो भी लेट होता है हाजीपुर तक लेट होता है। एंड जो आपको यहाँ से NH-31 है शायद ये, तो इस पे अगर आप चलोगे तो आप नॉर्मल 60 किलोमीटर आप कवर कर सकते हो 50 मिनट में भी, आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। और रोड तो काफी स्मूथली है गाइस, आप देख सकते हैं, बाइक चलाने में मजा आ रहा है। ओहो, लद्दाख में भी ऐसा रोड बन जाए लेकिन मजा तो नहीं आएगा ना फिर लद्दाख जाने में। जो मजा रोड खराब में जाने में है, वो मजा बढ़िया रोड में नहीं है। पानी भूल गया था, मिल नहीं रहा था काफी देर से। लद्दाख जाने का मतलब है आपको कि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी है, कैसे ट्रेवल करनी है। यहाँ से भगवानपुर 8 किलोमीटर दिखा रहा है। अच्छा टोल प्लाजा है और भीड़ भी है। मूली गोभी बहुत सेल होगा, आगे टोल प्लाजा है, हम लोग से तो टैक्स ले लिया जाता है पहले ही।
देख रहे भाई, ट्रैवलिंग में बहुत दिक्कत होता है। ग्लव्स यहाँ ही गिर गया मेरा। अब लगाते हैं फोन। छठ पूजा में ना गाइस काफी भीड़ है। अभी भी लोग घर जा रहे हैं। बहुत हाईवे पे इतना रहता नहीं है, बट आज ज्यादा ही है ट्रैफिक। और सुबह सुबह पंद्रह किलोमीटर और। फोर्टीन किलोमीटर कितना भी स्पीड भगा रहा हूं तो कम ही नहीं हो रहा है। कम हो जाए भाई। नौ बज गया फाइनली, बट नहीं पहुंच पाया। अभी भी 13 किलोमीटर है। 9:15 तक पहुंचेंगे। वीडियो बनाने में लेट हो गया यार उस टाइम। यही होता है एक ब्लॉगर के साथ परेशानी, हर चीज टाइम से करना होता है। रोड अच्छा है, कोई बात नहीं, जल्दी पहुंच जाएंगे।
है सोसाइटी।